सोमवार शुक्रवार दो दिन राम राम जी। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर। अच्छा, तो यहाँ इतनी दूर कैसे आए आप? यहाँ पर पता चला कि बाबा ऐसे झाड़ते हैं ठीक हो जाता है, तो यहाँ पर आ गए बाबा के पास में। सीधे बिहार से आए या इधर रहते हो? नहीं, मैं बिहार से दिल्ली आया, दिल्ली से ही आया। मतलब झाड़ा लगवाने के लिए ही आए? झाड़ा लगवाने के लिए ही आया। अच्छा, तो दिक्कत क्या थी आपको? किडनी प्रॉब्लम थी, किडनी मेरा खत्म हो चुका था। किडनी में क्या था? किडनी का क्रिएटिन भर गया था, 10 पॉइंट हो गए थे, डायलिसिस पे आ गया था मैं। अच्छा, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कितने साल से था? 3 साल से था। 3 साल से डायलिसिस? मैं डायलिसिस पर अभी आया हूँ मैं। अभी आया? अच्छा। अभी आया हूँ मैं। अच्छा। बाकी वो पहले क्रिएटिन भर रहा था तो उस पर उतना मन वो नहीं किया, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक है, महसूस अच्छा कर रहा हूँ। यहाँ कौन कितने झाड़े हो गए आपके? ये 5 झाड़े हो गए। 5? सीधे बिहार से आके लगवाए हैं आपको? हाँ, बिहार से आया, दिल्ली, दिल्ली से। नहीं, आपने जो 500 झाड़े हैं यहाँ रह के लगवाए हैं या फिर वहाँ से बिहार से? मैं यहाँ रह कर लगवाया। यहाँ रह के लगवाए? कहाँ रहते थे? दिल्ली में, मैं भाई के पास रहता था, रोहिणी में। अच्छा, दिल्ली। ओके ओके। और दिल्ली से यहाँ जो जिस दिन वार है, शनिवार मंगलवार को? हाँ, शनिवार मंगलवार को आ जाता हूँ। अच्छा जी, तो कितना फर्क है आपको? मुझे पूरा आराम है, पूरा पूरा ही। आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया? मैंने इलाज करवाया था दिल्ली में संत परमानंद हॉस्पिटल में, उसके अलावा और आयुर्वेद में भी मैं गया हूँ, तो अभी फिलहाल तो बाबा के हमारी ठीक हुई है। अच्छा, किस वजह से खराब हो गई थी, कुछ आइडिया है? डायबिटीज। डायबिटीज शुगर की वजह से आपकी किडनी खराब हो गई? बताओ, तो शुगर कितने साल से था आपको? शुगर तो मुझे करीब 15-20 साल से। अच्छा, तो यहाँ शुगर का झाड़ा भी लगता है, उसमें कुछ आराम है? हाँ, आराम है, हर एक चीज़ में आराम है। अच्छा, चेक भी करवाया है क्या या वैसे ही बता रहे? मैंने चेक नहीं करवाया, मैं अभी करवाऊँगा, लेकिन मुझे आराम है, पहले जलन उलन होती थी, ऐसा कुछ नहीं है, जलन सब खत्म। अच्छा, शरीर बता रहा है आपको कि आप ठीक हो? कुछ आदमी सब बताए हैं बाहर वाले की तुम्हारा चेहरा पहले से अच्छा लग रहा है, पहले तो बहुत चिंतित थे, ये था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप इतनी दूर से आए, आपको पता कैसे चला? मुझे ये पता चला यूट्यूब पे, मैंने वीडियो देखा, बच्चे ने वीडियो देखा था, तो बोला पापा आप जाकर के वहाँ झाड़ा लगवा। अच्छा, वीडियो से आपको विश्वास हो गया? अच्छा, इतना विश्वास कैसे हुआ आपको? एक दो आदमी मुझे वहाँ पर जो है रोहिणी क्षेत्र में, उन्होंने बताया कि वहाँ पापा झाड़ा लगाते हैं, वहाँ पर ठीक हो जाता है, तो इस बीच से हम लोग आए। अच्छा, तो आपका विश्वास पूरा हुआ? हाँ, पूरा विश्वास। तो यहाँ जो बजरंगबली की जो शक्ति है, बाबा बजरंगबली ने आपकी मदद करी? अच्छा, कौन से झाड़े में आराम हो गया था आपको? मुझे पहले झाड़े में आराम होना शुरू हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो डायलिसिस का आपने वो करवाया कोई? नहीं नहीं, मैंने नहीं करवाया, मैं अभी ठीक हूँ, तो डायलिसिस पर अभी नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन डायलिसिस कराने के लिए डॉक्टर सलाह दे दिया था कि डायलिसिस आपके होनी हो। अच्छा, नज़दीक पहुँच गए थे? हाँ। ओके, बहुत बढ़िया जी। तो भगवान ने आपकी सुन ली है बिल्कुल। क्या करते हो वैसे? वैसे तो मैं गाँव में ही रहता हूँ, घर पर। अच्छा, घर पर ही अपनी खेती बाड़ी है, घर पर। अच्छा अच्छा,
आप जो है इतनी दूर से यहाँ इलाज के लिए आए हो, जाड़े के लिए आए हो, क्या आपसे फीस भी ली गई यहाँ पर? नहीं जी, कोई फीस नहीं ली गई है। अच्छा, शारदा जो भी है, 10-5 50 जो भी हो, दान पेटी में हम डाल देते हैं, जाने पर बाकी हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है और मुझे सुख शांति भी मिलती है यहाँ पर आने से। अच्छा, फ्री सेवा है बिल्कुल। आपका किराया किराया लगा बस? किराया बहुत बढ़िया। आप जो जिनकी किडनी में दिक्कत है, जैसे आपको थी या फिर शुगर है, तो उनको क्या कहना चाहोगे जो वीडियो देख रहे हैं? अगर उनको भी एडवर्टाइज दूंगा कि भाई तुम जाओ, और नहीं तुम जा सकते तो मुझे अगर दिक्कत है तुम्हें जाने में अकेले, तो बोलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा, उनके लेकर के भी आओ, उनकी मदद करोगे? मदद। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, चलो ठीक है। तो भगवान जल्दी आपको जो है बहुत ही ठीक करे।